तो इसलिए जो है यहां जो है आर, क्योंकि आर जो शब्द यूज किया है इसने, कोई नंबर थोड़ी ना दिया है। हाँ ये कह देता कि 6x6 के एग्जिस्ट नहीं होते, 5x5 के होंगे या नहीं, 4x4 के होंगे या नहीं, तब तो हम एग्जैक्ट बता पाए। अब आपने आर यूज करके और मेरे से पूछ रहा आर से कम ऑर्डर के, वो डिपेंड करता ना कि कम क्या किया आपने। तो इसलिए जो है थ्योरम ये है, अगर आर ऑर्डर के माइनर एग्जिस्ट होते हैं तो आर ऑर्डर के एग्जिस्ट नहीं होते तो आर प्लस वन के भी एग्जिस्ट नहीं होंगे, आर प्लस टू के भी एग्जिस्ट नहीं होंगे, आर प्लस थ्री यानी कि आर से बड़े जितने भी माइनर है वो एग्जिस्ट ही नहीं होंगे। अब बात आ गई छोटे की, तो छोटे हो भी सकते और नहीं भी, और जहां मे और मे नोट का जो क्वेश्चन होता है ना वो पुटअप नहीं किया जाता, जो चीज मे और मे नोट की होती है वहां क्वेश्चन अराइव नहीं करता, वो क्वेश्चन वहां अराइव करता जहां एग्जैक्ट हो। तो हम क्या कहेंगे, थ्योरम क्या बन चुकी है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसके आर ऑर्डर के माइनर एग्जिस्ट नहीं होते तो उसके आर प्लस वन के भी एग्जिस्ट नहीं होंगे, आर प्लस टू के भी एग्जिस्ट नहीं होंगे। ओके अब बात यह आ गई कि सपोज करो सर या जो मैट्रिक्स है ए, ये जो मैट्रिक्स है मान लिया इसका जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है, मैं कहूंगा ठीक है आपको m जो है मान लिया मैंने 7 है और n मैंने मान लिया 5 है, ये मान लिया मैंने, मैं कहूंगा ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि जो माइनर पॉसिबिलिटी आएगी, माइनर का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ माइनर, जो ऑर्डर रहेगा माइनर का वो हमारा गारंटी है कि इनका जो मैक्सिमम है, इनका जो क्या है मैक्सिमम है उससे लेस देन इक्वल टू रहेगा। क्या जो ऑर्डर रहेगा माइनर का वो इन दोनों का क्या मैक्सिमम उससे छोटा रहेगा या इक्वल रहेगा। आपको सर एक बात बताएं, मैं कहूंगा बताओ, आपको सर एग्जैक्ट बोले आपको, मैं कहूंगा बोलिए, आपको सर जो ऑर्डर होगा माइनर का, ऑर्डर को मैं ऐसे लिख लेता हूं ऑर्डर ऑफ माइनर, आपको सर ये जो ऑर्डर होगा ना माइनर का ये एग्जैक्टली जो है वो 7 से छोटा होगा, यानी कि एग्जैक्टली m से तो छोटा होगा ही होगा। मैं कहूंगा क्यों, आपको सर देखिए आपके पास मैट्रिक्स है 7x5 की, तो आप जो है 7x7 का तो सर मैट्रिक्स बना ही नहीं सकते, मैं कहूंगा ठीक है। फिर आप कहोगे सर एक्चुअलिटी में ये जो आप बात बोल रहे हो मैक्सिमम, अगर आप यहां पर क्या लगा देते हो, मिनिमम लगा देते हो, मिनिमम ले लेते हो इनका, तो भी यह बात ट्रू है। मैं कहूंगा कैसे, आप कहोगे सर देखिए ऑर्डर ऑफ माइनर, इनका जो मिनिमम है वो कितना है 5, मतलब जो ऑर्डर रहेगा माइनर का वो 5 या 5 से छोटा रहेगा। बिल्कुल सही बात है, 5 या 5 से तो छोटा रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए जो है मैथमेटिकल तो दोनों लैंग्वेज ट्रू है, जो माइनर होगा क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स का माइनर वो मिनिमम हो, मिनिमम से भी क्या होता है लेस देन इक्वल टू। यानी कि सपोज करो आपने ये कहा मेरी पॉकेट के अंदर एक, सपोज करो एक स्टूडेंट है और वो ये कहे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, क्या है मेरे पास एक मैट्रिक्स है, हम कहेंगे बता भाई आपके पास कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, वो कहेगा मेरे पास जो मैट्रिक्स है ना वो है 5x4 की मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है 5x5 की मैट्रिक्स। मैं कहूंगा अब बताऊं मैं तुम्हारे को, मैं आपको पूरी डिटेल बता के दिखा दूंगा। मैं कहूंगा एक बात बताऊं, आपके पास 5 ऑर्डर का कोई भी माइनर नहीं है, क्या कहूंगा मैं उसको, 5 ऑर्डर का आपके पास कोई भी माइनर नहीं है, वो देखेगा अपनी पॉकेट के अंदर 5 ऑर्डर का तो नहीं है और हमें तो पता मिलना नहीं है, तो उनको ट्रस्ट हो जाएगा हमारे ऊपर। फिर हम ये कहेंगे एक चीज बताएं आपके आपके पास 4 ऑर्डर के कितने माइनर है, मैं तुरंत माइंड में कैलकुलेट कर लूंगा क्या 5c4 × 4c4 यानी कि 5 × 1 तो 5, तो मैं उसको तुरंत बोल दूंगा आपके पास 4 ऑर्डर के माइनर है, वो देखेगा हाँ है, और फिर मैं ये कहूंगा आपके पास जो 4 ऑर्डर के माइनर है ना वो कितने हैं 5 है, तुरंत समझ जाएगा हाँ इसके अंदर तो भाई कुछ पावर है कुछ ताकत है, और वो आपको ये पता नहीं क्या मान लेगा कि हाँ आप गॉड हो। तो यही चीज है,
अगर मैथमेटिकल बोला जाए तो मैथमेटिकल ये कहता है अगर ऑर्डर जो है माइनर का वो मैक्सिमम से लेस देन इक्वल टू होता है, मैथमेटिकल तो ये बात ट्रू है, और ज्यादा अच्छे लेवल पे बोल ले तो ये ट्रू है। तो इसलिए जो है कई बार क्या करता है सामने वाला आपको पजल करने की कोशिश करता है, क्या करता है सामने वाला पजल करने की कोशिश करता है, आपको उसे समझ में नहीं आया कैसे पजल करने की कोशिश करता है। मैं कहूंगा देखिए सामने वाला पजल ऐसे करने की कोशिश करता है, एक मैट्रिक्स दे दी ए जिसका ऑर्डर है 5x17, क्या इसका ऑर्डर 5x17, और ये कहे कि इसके पास एक माइनर है कितने ऑर्डर का लेस देन इक्वल टू 17 से, और एक ये कहे इसके पास जो है वो माइनर है किससे लेस देन इक्वल टू 5। सामने वाले ने दो सेंटेंस दे दिए मुझे, किसके पास एक माइनर है किससे कम लेस देन इक्वल टू 17, और एक में दे दिया ये। बच्चा क्या है तुरंत अपना दिमाग यूज करेगा, और दिमाग यूज करके वो ये कहेगा मैट्रिक्स का ऑर्डर है 5x17, यानी 5 तो रो है 17 कॉलम है, वो ये कहेगा, ये कहता है कि 17 या 17 से कम, वो कहेगा 17 की तो बनाई नहीं जा सकती, क्या कहेगा वो 17 की तो बनाई नहीं जा सकती, काटा मार देगा। फिर ये कहेगा हाँ 5 की तो बना सकते, इसको ठीक कर देगा। दो पूछ ली थी इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन दे देगा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दे देगा बोथ ट्रू बोथ रॉन्ग, ओनली फर्स्ट ट्रू ओनली सेकंड ट्रू। तुरंत बच्चा क्या करेगा सेकंड को ट्रू कर देगा फर्स्ट को रॉन्ग कर देगा, और फिर आके ये कहेगा मेरे तो इसके तो नंबर पक्के हो गए, बट जैसे उसको टीचर बताता है आपके नंबर कट गए, फिर तो ये सोच लेता है ओहो एक छोटी ही गलती कर दी, और मैं उस गलती को छोटी गलती नहीं मानता, ये छोटी गलती नहीं है। आप मैथ के स्टूडेंट हो, क्या हो आप मैथ के स्टूडेंट, और मैथ का स्टूडेंट ये गलती कर दे बहुत बड़ी गलती है। अगर कोई मैथ का मास्टर कर चुका है एमएससी कर चुका है वो 2 और 2 5 कर दे तो वो छोटी गलती नहीं है। हाँ फर्स्ट क्लास का बच्चा 2 और 2 5 कर दे उसके लिए कोई गलती उसकी गलती है छोटी, बट हम अगर ये गलती कर देंगे ये छोटी गलती नहीं है। इसका क्या मतलब है, ये जो दो साइन होते हैं बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑर्डर है वो या तो 17 से छोटा है या फिर इसका जो ऑर्डर है वो 17 के इक्वल है, दोनों नहीं बोली इसने, वो कहता है इन दोनों में से एक, और जो चीज 5 से छोटी है वह चीज 17 से तो छोटी है, इसका जो माइनर आएगा वो कितना आएगा, आपने इसको ट्रू कर दिया कि इसका जो माइनर आएगा 5 या 5 से छोटा आएगा, जो चीज 5 के इक्वल या 5 से छोटी है, क्या कोई चीज अगर 5 या 5 से छोटी है तो वह चीज 17 या 17 से भी तो छोटी होगी। क्या कहा, अगर कोई चीज 5 या 5 से छोटी है तो वो वाली चीज क्या है 17 और 17 से भी छोटी होगी। आप कहोगे सर फिर पजल क्या कर रहे हो, 17 की बजाय अगर यहां पे आप मुझे ये डाल के दे देते 19 तो भी ये बात ट्रू थी, मैं कहूंगा बिल्कुल ट्रू थी। आप कहोगे सर 17 19 क्या 21 डाल दो, मैं कहूंगा 21 क्या है, आप कहोगे सर आज की डेट, मैं कहूंगा आज की डेट 26 जनवरी है, आप कहोगे सर आपने फिर विश भी नहीं किया, मैं कहूंगा फिर आपको विश करना चाहिए पहले, समझ गए, मैं करता अच्छा लगूंगा आपको तो पहले आप कीजिए। तो क्या कहोगे, या जो चीज है ऑर्डर जो होगा माइनर का वो 26 से भी लेस देन इक्वल टू होगा, बिल्कुल होगा बिल्कुल ट्रू है। यानी कि इंपोर्टेंट मैथ सीखना नहीं है, इंपोर्टेंट है मैथ की लैंग्वेज सीखना कि सामने वाला जो है मैथमेटिकल क्या चीज बोलना चाहता है, और हम क्या करते हैं डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं, जो कि मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, अगर जो चीज 5 या 5 से लेस देन है उसको लेस देन इक्वल टू 17 भी बोल सकते हो, लेस देन इक्वल टू 19 भी बोल सकते हो, और लेस देन इक्वल टू 26 भी बोला जा सकता है, समझ रहे हो। आपको भी सर आपकी चीजें हमें तो समझ में ही नहीं आती, पता नहीं क्या चीज है मैथ लेके हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा लगता है कि मैथ की बजाय हिंदी ले लेते या इंग्लिश ले लेते या संस्कृत ले लेते या फिर जीके ले लेते, अब तो ले चुके हो, अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो ये भी चीज है, अब तो ये जो चीज दिखे इसको सोल्व करना है, मतलब ये है अब तो जो है आप बिल्डिंग से छलांग लगा चुके हो, अब जो है ऑप्शन नहीं है कि क्या होगा नीचे जाके, कुछ नहीं, दो ही तरीके है, पहला तरीका तो ये कि सीखो कि कैसे अपने आप को सेव करना है, या फिर
सीधे खाई में जाके गिरो। दो ही चीज है, एक तरीका मैथ सीख लो, दूसरा तरीका खाई में जाके गिरने का मतलब रह गए बीच में, और बीच में रह जाते हो कुछ नहीं है, यहां यस या नो होता है। सोच करो एक स्टूडेंट ये कहे, मैं वो ये कहे कि मेरा ना एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, टीचर ये पूछेगा कितने नंबर ये सिलेक्शन हो गया, फिर आप एक स्टोरी बताओ और ये कहो कि एक नंबर से रह गया, तो ये कहेगा डायरेक्टली ना बोल दे कि नहीं हुआ, स्टोरी बताने की क्या जरूरत है। कुछ भी आप स्टोरी बताते ये चीजें बोलते हो कि एक नंबर से नहीं हुआ या दो नंबर से नहीं हुआ कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पे यस या नो है, सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए जो है मैथ की लैंग्वेज सीखना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात ये आ गई कि डिटरमिनेंटल रैंक क्या होती है, क्या डिटरमिनेंटल रैंक रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। डिटरमिनेंटल रैंक को हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे, रो ऑफ मान लो ए मैट्रिक्स का कैलकुलेट करना है तो रो ए बोलेंगे, दिस रो ए इज कॉल्ड डिटरमिनेंटल रैंक। ये हमारी रो ए जो आएगी इसको हम क्या कहा करेंगे कि ये हमारी एक डिटरमिनेंटल रैंक है। क्या है ये हमारी डिटरमिनेंटल रैंक। ओके, डिटरमिनेंटल रैंक तो होगी, बात ये आगे कैलकुलेट कैसे करें। तो क्या कहूंगा मैं, वी से दैट डिटरमिनेंटल रैंक ऑफ ए इज आर। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ए मैट्रिक्स है ना इसकी डिटरमिनेंटल रैंक आर है। इसकी क्या डिटरमिनेंटल जो रैंक है वो कितनी है, आर। इसका क्या मतलब है, इसकी दो बातें हैं। पहली बात तो ये, देयर एग्जिस्ट ए माइनर ऑफ ऑर्डर आर से टी। क्या है, उसके पास एक माइनर एग्जिस्ट होता होगा, कितने ऑर्डर का, एम ऑर्डर का, उसका नाम मान लो मैंने रख लिया एम, एंड उसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो आया होगा। इसका मतलब ये है किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंटल रैंक आर होने का क्या मतलब है, उसके पास कम से कम एक माइनर, यानी कि कम से कम एक ऐसी सब मैट्रिक्स होगी कितने ऑर्डर की, आर ऑर्डर की, कि उसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो आया होगा। एक और चीज, फॉर ऑल सब मैट्रिक्स या ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन ऑर्डर आर से एम वन, दैट इज डिटरमिनेंट इज जीरो। यानी कि ये कहना चाहता है अगर कोई मैट्रिक्स है, क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स है और उसकी जो डिटरमिनेंटल रैंक है वो आर है, उसकी डिटरमिनेंटल रैंक कितनी है, आर है, उसका मतलब ये है उसके पास जितने भी माइनर है, क्या उस मैट्रिक्स के पास जितने भी सॉरी उसके पास कम से कम एक माइनर है जिसका ऑर्डर क्या रहा होगा, आर, वो भी क्या नॉन जीरो, यानी उसका डिटरमिनेंट। सेकेंड स्टेप ये है कि उसके पास जितने भी माइनर है कितने ऑर्डर के, आर प्लस वन के या आर प्लस टू के या आर प्लस थ्री के, वो सारे के सारे जीरो रहे होंगे। यानी कि ये कहना चाहता हूं, सपोज करो, एक मैं आपको ये कहूं, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है, एक यूनिवर्सिटी है, और वो क्या है, कट ऑफ निकालती है, बहुत सारे बच्चे बार मुझे नहीं पता एबीसीडी बहुत सारे हैं ये, और आपको क्या पता है इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो बी माइनर है इसकी यहां जॉब लग गई, आपको विसर आपके नाम से बना ले, मैं कहूंगा नहीं मेरे नाम से नहीं है ये, फिर आपको सी ले लो, इससे मतलब आपको सी ले लो के ले लो, मैं कहूंगा चलो के ले लेते हैं, आपको विसर एक काम कीजिए इसके को मान लेते इसके की जॉब लग गई, इसके की क्या लग गई यहां पे जॉब, और ये बाकी यहां है, इस के की जॉब लग गई
तो तुरंत ये जो बाकी के है ये पता लगाएंगे कि इसकी जॉब लगी, तो एक बात तो कंफर्म है, क्या ये जो बाहर बैठे हुए हैं पक्का इनकी जो परसेंटेज रही होगी, मान लो परसेंटेज बेस पे लगी है, किस बेस पे लगी है, परसेंटेज बेस पे, तो इनकी जो परसेंटेज रही होगी पक्का इस केस से छोटी रही होगी, क्या रही होगी, इस केस से छोटी रही होगी, तभी तो ये केस लगा है या केस लगी है जो भी है। तो आप ये कहोगे सर एक बात तो है, मैं कहूंगा क्या कि जो परसेंटेज है, क्या है जो परसेंटेज के की, वो गारंटी है कि इन सबसे ज्यादा रही होगी। हो सकता है कि ये जो है इनकी परसेंटेज ज्यादा तो हो बट इनके डॉक्यूमेंट पूरे ना हो इसलिए ना लगी हो। मैं कहूंगा कहना क्या चाहते हो आप, कहोगे सर कहना ये चाहते हैं अगर इसमें कोई सिलेक्शन हुआ है तो इसका मतलब ये है उससे बड़े ऑर्डर के एग्जिस्ट नहीं होते। क्या उससे बड़े ऑर्डर के एग्जिस्ट नहीं होते? अगर वो एग्जिस्ट होते हैं तो वो क्या है, जीरो है। मतलब ये हो गया अगर कोई मैट्रिक्स उसकी रैंक डिटर्मिनेंटल रैंक आर है, आर आने का मतलब ये है कि उससे बड़े ऑर्डर के जीरो है, या तो एग्जिस्ट ही नहीं होते, अगर एग्जिस्ट होते हैं तो वो जीरो है, तभी इसकी जॉब लगे ना, इसे बड़े की नहीं लग जाएगी। आपको हो सर सिफारिश चलते हैं इन चीजों में, मैं कहूंगा मैथमेटिकल में सिफारिश नहीं चलती। जो फॉर्मूले होते हैं 2 और 2 कितनी है 4, आप ये कहोगे यार एक काम करो मैं सिफारिश करता हूँ आपको पैसे देता हूँ 2 और 2 जो है 5 बोल दो, कैसे बोल देगा, दिस इज नॉट ए वैलिड, ये चीज नहीं हो सकती, हवा में तीर नहीं चला सकते आप, ऐसे नहीं कर सकते। यानी कि आप ये कहोगे अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी जो डिटर्मिनेंटल रैंक है वो आर है, इसका मतलब ये है एक जो माइनर होगा कितने ऑर्डर का आर, पहली बात तो वो होगा नॉन जीरो, कम से कम एक माइनर, एक से ज्यादा भी हो सकते बट एक तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात ये जितने भी माइनर होंगे कितने ऑर्डर के, आर से बड़े ऑर्डर के, वो पक्का जीरो होंगे जहां पे अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और अल्फा बिलोंग टू नेचुरल नंबर, या डायरेक्टली बोल दो अल्फा बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये जितने भी माइनर होंगे ये सभी के सभी क्या रहेंगे, जीरो। एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं, सपोज करो एक मैट्रिक्स है 1 2 1 2, ये एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंटल रैंक कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करके दिखानी है आपको, डिटर्मिनेंटल रैंक, मतलब डिटर्मिनेंटल रैंक कैलकुलेट करने का मतलब आप ये मान के चलो आपको जो है क्या करना है, आपके पास एक यूनिवर्सिटी है आपको, चलो फिर तो ठीक है, और आपको वहां पे जो है इंप्लॉइज को सिलेक्ट करना है और सबसे पहले उसको लेना जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी हो। आपको उसे अच्छी क्वालिटी होने का मतलब यहाँ पे ये है कोशिश करनी है सबसे बड़े ऑर्डर का माइनर पिक करें और वो जो क्या होना चाहिए उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो। मैट्रिक्स है 2x2 की, तो आप कहोगे सर पहले तो हमारा टारगेट ये होगा कि 2x2 का माइनर पिक करें, कितने ऑर्डर का, 2x2 का माइनर पिक करें, कर लो 2x2 का माइनर, तो ये क्या आएगा, खुद आएगा, खुद मैट्रिक्स बनेगी ये, और जब इसका आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो जीरो आएगा, तो आप कहोगे सर 2x2 का तो माइनर इसको मिल नहीं सकता। फिर सिलेक्ट करो 1x1 का, आप कहोगे सर 1x1 के इसके पास 4 है, मैं कहूंगा कैसे है 4, आप कहोगे 1 2 3 4, मैं कहूंगा फॉर्मूले से 2 है कितने सिलेक्ट करने, 1, 2 है कितने सिलेक्ट करने, 1, तो 2 × 2 = 4, मैं कहूंगा ये रहा, मैंने लिया 1, इसका डिटरमिनेंट निकालो, नॉन जीरो आ गया, तो ये सिलेक्ट हो गया, कितने ऑर्डर का माइनर है ये, 1 ऑर्डर का, दैट मीन्स जो डिटर्मिनेंटल रैंक आएगी एम की, क्या डिटर्मिनेंटल जो रैंक आएगी एम की वो होगी 1। दूसरा स्टूडेंट ये कहता सर मैंने तो ये सिलेक्ट किया था इसका भी नॉन जीरो है, मैं कहूंगा कितना ऑर्डर है इसका, आपको सर 1, तो मैं कहूंगा इसकी भी बोल दो कि जो डिटर्मिनेंटल रैंक है वो कितनी है, 1 है, कितनी है इसकी डिटर्मिनेंटल रैंक, 1 है। ओके अब सपोज करो मेरे पास जो है वो 3x3 की मैट्रिक्स हो, 1 2 3 2 4 6 3 6 9, ये 3x3 की मैट्रिक्स होगी हमारे पास, और आपको ये बोल दिया गया फाइंड इट्स डिटर्मिनेंटल रैंक। क्या बोल दिया गया, ये जो आपको मैट्रिक्स दिखाई देती है, क्या आपको ये जो मैट्रिक्स दिखाई देती है इस मैट्रिक्स की आप डिटर्मिनेंटल रैंक कैलकुलेट कीजिए। क्या कैलकुलेट करके दिखानी है आपको, इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंटल रैंक कैलकुलेट करके दिखानी है।
आपकी कोशिश क्या रहेगी, मैट्रिक्स का साइज है 3x3, तो सबसे पहले आपकी कोशिश रहती है बड़े ऑर्डर की पिक करना, और स्क्वायर मैट्रिक्स पिक करनी होती है, यानी कि सबसे पहले तो आप पिक करने की कोशिश करोगे 3x3 की, फिर आओगे 2x2 की, फिर आओगे 1x1 की, डायरेक्ट एक पे नहीं जाना, सबसे पहले बड़े को देखना है। आप कहोगे सर अगर मैं बड़े पे आऊंगा तो खुद ये डायरेक्ट, यानी कि माइनर देखना मुझे, अच्छा मैं डिटरमिनेंट शब्द यूज नहीं करूंगा, मैंने माइनर बोल दिया था, मींस उसका डिटरमिनेंट तो है माइनर ऑफ ऑर्डर 3, देखता हूं 0 बनेगा या नॉन 0, मतलब उसका डिटरमिनेंट है ये। आप कहोगे सर देखिए या जो सेकंड रो है इसका 2 टाइम करके लिखी गई है तो प्रोपोर्शनल होगी, तो डिटरमिनेंट तो इसका 0 आएगा, यानी कि माइनर ऑफ ऑर्डर 3 जो है वो 0 आएगा। मैं कहूंगा इसको मैथमेटिकल कहूं मैं, आप कहोगे सर क्या, कि जितने भी माइनर है, क्या जितने भी माइनर है 3 ऑर्डर के वो सारे 0 है। आप कहोगे सर कितने भी क्या बोल रहे हो, एक ही तो है, आप ये क्यों बोल रहे हो कितने भी माइनर।